बल है पृथ्वी का, वो तो नीचे ही खींचेगा। तभी तो बेसमेंट में पानी आएगा, जब स्वेज का पाइप ऊपर है आपकी बेसमेंट नीचे है, तो वो फ्लड करेगी करेगी। तो दिल्ली की जो अव्यवस्था है, चाहे वो ड्रेनेज प्लान की हो, और आखिरी चीज जो एनक्रोचमेंट फ्लड प्लेन्स के ऊपर हुए पड़े हैं, ओखला जैसी जगह जहां पे इनके ही एमएलए हैं, और वहां पर लगातार, मैं वापस आपके माध्यम से याद दिलाना चाहती हूँ दिल्ली को, कि 5 दिन के लिए आर्ट ऑफ लिविंग ने यमुना फ्लड प्लेन पे वातावरण शुद्ध करने के लिए कार्यक्रम किया था, जिसमें काफी लोग आए थे। उनको 5 करोड़ का जुर्माना था यमुना फ्लड प्लेन पे कार्यक्रम करने के लिए 5 दिन, जो कि वो अपना सारा साफ करके गए थे, कोई गंदगी नहीं मचा के गए थे, प्लास्टिक के खिलाफ थे वो लोग। उनको 5 करोड़ का जुर्माना लगाया, लेकिन जो 5 मकान से लेकर 50 मकान रोज के वहां खड़े कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोई कोई तो कार्रवाई करो जी। यमुना फ्लड प्लेन का ही रुकावट तो पैदा आप लोग कर रहे हैं, यमुना फ्लड प्लेन की और बहुत तरीके से रुकावट हो रही है। तो उन रुकावटों को जब तक आप दूर नहीं करेंगे, दिल्ली के मौलिक काम आप नहीं करेंगे, तब तक सुधार दिल्ली में कैसे होगा? और 9 साल से कोई मास्टर प्लान नहीं है। 6,800 करोड़ रुपया जो इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट का है, वो कहाँ खर्च हुआ हमको वो जानकारी नहीं है। और 3.5 लाख क्यूसेक के अंदर अगर बाढ़ आ जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन है, ये भी जवाब दे दीजिए। और कृपया करके दूसरों पर ब्लेम घड़ने से पहले आप ये बताइए कि आप किस किस चीज के लिए जिम्मेवार हैं और आपने क्या क्या काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को प्रश्न हो तो क्या माना जाए कि फ्लड नियंत्रण विभाग में भ्रष्टाचार है? मैं तो इस विषय में अंदाजे ही लगा सकती हूँ, पर आपके माध्यम से ये जानकारी जरूर जानना चाहती हूँ कि 3,59,000 क्यूसेक जो पानी है वो छोड़ा गया है। ये अपनी इनकी भाषा में कहा गया है 10 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उतने में बाढ़ आई है। तो वो बताएं कि क्यों आई है। फ्लड गेट बंद थे, क्योंकि अगर आर्मी ने जाके उसको सिल्ट को हटाया है तो सिल्ट आई कहाँ से? और फ्लड गेट बंद क्यों हुए? क्योंकि वहां पे सिल्ट थी तो हटी ना। और दूसरा ये बता दे कि ड्रेजिंग आपने यमुना की कब आखिरी बार करवाई थी? और फ्लड गेट या बंद, जो जो नए बनने चाहिए, 78 के बाद, भाई 12 साल से तो आप मुख्यमंत्री हैं, 9 साल से तो नहीं, 12 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो आप हिसाब देना कि आपने 12 साल में कौन से साल में ड्रेजिंग करवाई है वो बताएं। मैम इससे आगे एक सवाल है कि ऑर्डिनेंस को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट कर दिया है आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी इसे काफी सकारात्मक तौर पर देख रही है, उन्होंने कहा कि एक सही कदम है। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली की फ्लड सिचुएशन पर है, और मैं चाहूंगी कि आप इसको अच्छे से कवर करें, क्योंकि दिल्ली की आवाज लोगों तक, जनता तक जानी चाहिए और सही प्रश्न और उनके उत्तर सामने आने चाहिए। जी आप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।